अब जिन लोगों को टेंशन भी नहीं चाहिए ड्राइव में और पैसे भी बचाने, उन लोगों के लिए एक चीज है जो चाहते हैं कि मैनुअल हो उनके पास में, तो यहाँ देखो गियर नॉब, ये है मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन नीचे देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, क्योंकि क्लच है ही नहीं इसके अंदर, तो ये IMT ट्रांसमिशन है। पाजी कैसे चलेगा IMT ट्रांसमिशन की तरफ? क्या IMT का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। हाँ, मेरा प्लान था मैनुअल का, मेरे को बस इसमें मैनुअल जो HTK प्लस वेरिएंट आ रहा था उसमें मिल रहा था 1.2 लीटर, वो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था 1 लीटर ज्यादा पावर के साथ। तो इंजन है कुछ इसका छोटू भाई टर्बो GDI पेट्रोल इंजन है ये। हाँ जी। और ये है 1000 CC का, 1 लीटर इंजन है ये, 3 सिलेंडर इंजन है ये, ऑलमोस्ट 118 BHP का ये पावर निकाल रहा है। तो पावर का जो आउटपुट है वो कैसा लग रहा है अभी आपको रोड? पावर काफ़ी पावरफुल है, आई थिंक 2 के RPM के बाद इसके टर्बोज ऑन हो जाते हैं, उसके बाद तो ये गाड़ी भागती है भाई। लेकिन एक बात बताओ, ये छोटे इंजन के अंदर भी जो किया जैसी कंपनी है इतनी रिफाइन इंजन निकाल रही है, एक बात बताओ अंदर कोई वाइब्रेशन वगैरह यूज़ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अदर कंपनीज का वैसे हम किसी का ऐसा बोलते नहीं, लेकिन अदर कंपनीज कुछ है जिसमें कि 3 सिलेंडर इंजन ही है, 1 लीटर इंजन ही है, लेकिन वाइब्रेशन बहुत है। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं है। आई थिंक कोल्ड स्टार्ट होने के टाइम पे थोड़े टाइम के लिए आवाज़ आती है, वाइब्रेशन भी होती है, 10-15 सेकंड्स बाद वो रिजॉल्व हो जाती है, उसके बाद बिल्कुल रिलैक्स। टॉर्क की मोटर है ये, मतलब टॉर्क की इंजन है, जब थ्रॉटल पे देते हो काफी काफी 172 अप्रोक्स का टॉर्क है, तो रोड पे वो पता चल रहा है बिल्कुल ठीक ठाक सा। इससे पहले कौन सी कार चला रहे थे? इससे पहले थी मेरे पास टियागो डीजल। अच्छा। उसको मैंने अराउंड 7 साल चलाया, वो भी डीजल थी, तो मुझे टॉर्क की आदत है, मुझे टॉर्क चाहिए गाड़ी में। अच्छा एक बात बताओ, ये कार लेने से पहले यही कार के बारे में सोच रहे थे या कुछ और भी? एक्चुअली मेरा प्लान था टुवर्ड्स एलिवेट का VX वेरिएंट मैं सोच रहा था, पर वो थोड़ा सा आउट ऑफ बजट जा रहा था वर्सेस द वैल्यू आई वाज गेटिंग। उसके बाद प्लान मेरा बना कि अगर इतने डाले रहा हूँ तो क्यों ना मैं सेल्टोस क्रेटा की साइड जाऊँ, वो 17 के आसपास। कितने का पड़ रहा था वो वेरिएंट? एलिवेट पड़ रहा था मेरे को 16-30 के आसपास। और ये कितने की पड़ी है? ये पड़ी है 13-30 के आसपास। बताओ 3 लाख का डिफरेंस। 3 लाख का डिफरेंस आ गया ना, 13,30,000 रुपये। तो यार क्या क्या चीजें इसके अंदर, आ जाओ सबसे पहले तो ये देख लो। तो मेरा जो मानना है वो यही है भैया, आज की डेट में तुम्हें अगर ये ना मिले जो कि ORVM से हमारे साइड व्यू मिरर्स फोल्डेबल होने चाहिए, थोड़ा बहुत अब टेंशन बन जाता है। चलो जी ड्राइव करते हैं स्टार्ट नई नवेली कार की। यार नई कार की जो खुशबू होती है वो तो लगी है ना। हाँ, वेरी गुड। अच्छा इसमें आपको इंटीरियर के अंदर चलाने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट लगे अभी? पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट बस मुझे ये लगता है कि इंटीरियर बिल्कुल पिछले वाले वेरिएंट जैसे ही हैं, कोई कुछ खास चेंजेस है नहीं इसमें अगर आप देखोगे। उसके अलावा फिट एंड फिनिश काफ़ी सही है। एक बस मुझे ये लगता है कि इसके जो सीट कवर्स हैं इनके अंदर एयरबैग्स हैं और इसके ऊपर आपके जो सीट कवर्स हैं वो चढ़ नहीं सकते। नहीं, बन जाते हैं। मैंने पता किया पर मिले नहीं, मुझे नहीं बना रहे हैं लोग। नहीं किया वालों से पूछा, किया वालों के पास भी नहीं है। नहीं, वो फिर वो तो रेकमेंड भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अगर कुछ होता है एयरबैग खुले और आपके उसमें फंस गए हो ना तो ब्लास्ट ही होता है फिर पीछे से। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत तेज प्रेशराइज खुलते हैं। स्क्रीन ठीक ठाक है इस बजट में, बटन्स मिल रहे हैं काफी सही, टैक्टाइल्स है ये जो इसका है, पूरे नोब वगैरह मिल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मिल रहा है। हाँ जी, क्लाइमेट कंट्रोल काफी अच्छा है इसका, एसी काफी अच्छा है। वायरलेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फोन रख लेंगे बिल्कुल है ना, हम अपना केबल लगा लेंगे। लेकिन 13,30,000 रुपए के अंदर कार के अंदर सनरूफ मिल रहा है और लाइट जो है इसकी वो हैलोजन है। चलो ये 5-5 रुपए के बल्ब है या 20-20 रुपए के बल्ब है, ये अपग्रेड हो सकते हैं, वो अपग्रेड हो सकते हैं। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी मिल रहा है, यहाँ पे लोग अपनी और आलतू फालतू की चीज़ें रख देते हैं। तो बाकी सारी जो कार है ऐसा भी नहीं है कि ये सारी की सारी जो है ये हार्ड है। देखो जैसे ये वाला पोर्शन हुआ हार्ड, ये वाला पोर्शन हार्ड हुआ, ये सॉफ्ट है, ये इन्होंने सॉफ्ट दे दिया है ना, ये चीज़ सॉफ्ट दे दी। कम से कम बंदा हाथ रख के उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी हड्डियाँ चुभनी नहीं चाहिए। बड़ा ये है कि ये पूरे जो मैट ब्लैक दे दिए, थोड़े टाइम बाद इसके अंदर अपग्रेड करा लो कुछ चाहो तो, रैप रूप करा लो, बाकी ऐसे भी ठीक है। अब ये बताओ IMT के अंदर अभी आपको है ना, अभी आप ब्रेक पे पैर रख लो, ये वाला पैर अपना ऊपर कर लो, एक बार उठा लो ठीक है जी। ब्रेक पे पैर है, ये लग गई इसकी फर्स्ट गियर, सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है IMT के अंदर। अब ब्रेक छोड़ना, ब्रेक छोड़ूंगा तो थोड़ी थोड़ी 6-7 किलोमीटर की स्पीड से आगे जाएगा। भाई ऑटोमेटिक ही चला रहे हो आप,
बिल्कुल बिल्कुल टाइप ऑफ समझ लो, बट ये है कि आपको कम पैसे के अंदर ये IMT जो ट्रांसमिशन किया दे रही है ना, ये कम पैसे के अंदर ये बस गियर नो मिल रहा है, गियर सिलेक्शन का आपका है, और ये ऐसे भी नहीं कि गियर में मिस हो जाती है बीच के अंदर या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम जो होती है वो इनसे पूछेंगे। जो क्लस्टर है इनका वो थोड़ा सा डिजिटल है, बाकी सारा स्टैटिक है। क्लस्टर क्लस्टर में इन्होंने बहुत पैसे बचाए हैं। हाँ जी, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का क्लस्टर इसके अंदर, इसके ऊपर एक वेरिएंट आता है STX प्लस, उसमें डिजिटल है और स्क्रीन भी बड़ी है, पर वो 1.5 लाख रुपए ज्यादा है इससे, 15 के आसपास का आ रहा है। तो जितने पैसे डालते रहोगे उतनी उतनी चीजें मिलती रहेंगी। इसका टॉप एंड 18 के आसपास का, 18 एक्स लाइन जिसमें मैट फिनिश आती है और वो फुली लोडेड है, ADAS है उसमें सब कुछ है। मुझे लगता नहीं कि ADAS की जरूरत है इंडिया में। क्रूज कंट्रोल है ना इसमें? बिल्कुल। तो क्रूज यूज किया अभी तक? हाँ मैंने यूज किया है, स्टैटिक क्रूज। बिल्कुल, तो सही तरीके से काम कर रहा है? काफी। तो कौन सी गियर के अंदर क्रूज लगाया था? मैंने 5th के अंदर लगाया हुआ है, 4th के अंदर भी लगाया हुआ है, 6th के अंदर दो लगाया हुआ है। हाँ चलो फर्स्ट गियर डालते हैं। एक बारी बस ये सुनना है कि अब बाहर का साउंड तो नहीं है ना इसमें? चलो एक बारी जरा थोड़ी सी रफ ड्राइव मारना। तो आपको इसकी हैंडलिंग वगैरह कैसी लगी? हैंडलिंग अच्छी है इसकी, वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं है। बॉडी रोल भी एज सच आगे तो नहीं आता, पीछे का मैंने चेक नहीं किया। हाँ नहीं, अभी तक खैर किसी ने कंप्लेंट करी नहीं है पीछे बॉडी रोल की। नहीं, बॉडी रोल तो खैर पूरी गाड़ी का ही होता है, लेकिन हाँ चलो ठीक है कि इसके अंदर कम है। सस्पेंशन कैसी है? सस्पेंशन के बारे में मैंने बहुत नेगेटिव रिव्यू सुने थे इसके, बट इस फेसलिफ्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है वो इशू सॉल्व कर देंगे अपनी फाइनली कस्टमर्स की सुन के। ठीक लगी? बिल्कुल। स्पीड बम्प पे से जब निकल रहे हो तो खटखट आती है कुछ? थोड़ी बहुत आती है। आई वुडंट से कि ये बेस्ट है, आई थिंक नेक्सॉन का शायद बेटर है इससे, पर वेन्यू के बराबर गए, मतलब ठीक ठाक सी है अगर देखा जाए वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंग। अच्छा, हैंडलिंग वगैरह तो मतलब ठीक ठाक सी ही है इसकी, अच्छी खासी गाड़ियों के लेवल की है। अभी बताओ टॉर्क, ठीक है, अब यहाँ पे हम जरा रोक लेते हैं कहीं साइड में, ठीक है, तो फर्स्ट गियर पे फिर उठाएंगे और आप ना सीमलेसली गियर चेंज करना, देखते हैं कि IMT का आपको अभी तक आदत पड़ी है नहीं पड़ी है। ओके, आप ब्रेक थ्रॉटल छोड़ो चाहे ना छोड़ो, ये IMT के अंदर एक खासियत है, अपने आप थ्रॉटल कंट्रोल करता है। हाँ जी, ये अपने आप आगे जाएगी। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इसके अंदर इंटीरियर में आपको कुछ अभी ऐसा लगता है कि पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? और एज सच तो नहीं है, इसके इंटीरियर काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है इस वाले वेरिएंट में, इसके नीचे नहीं मिलता। ड्यूल टोन इंटीरियर हैं इसके। रैप्ड है ये? हाँ जी, रैप्ड है, लेदर रैप्ड है। और इसके अंदर एप्पल कारप्ले वगैरह? एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब है इसके अंदर। अच्छा, अभी कोई ऐसा ग्लिच वगैरह आया इसके अंदर? अभी तक तो कुछ नहीं है। म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूजिक सिस्टम ठीक है इसका, बट टू बी ऑनेस्ट इससे पहले मेरे पास टियागो थी, उसके अंदर हारमन का सिस्टम था, वो मुझे इससे बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ बेस। तो ये तो किया का है ना ये? हाँ जी, ये इसके ऊपर आता है, बोस का आता है। वो STX प्लस पे आता है। तो भाई वो कुछ ना कुछ फर्क तो देंगे ना, तभी तो पैसा खर्च करो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सनरूफ के अंदर कोई साउंड होगा ना? नहीं, किसी इसका नो साउंड है, ऐसी होती है, नो साउंड एट ऑल है। हाँ जी, लेकिन हाँ बट एक कंप्लेंट है, साइज छोटा थोड़ा इसका, अगर ये और बड़ी हो जाती तो क्या कहने? बड़ी जाती तो फिर उनके रेट भी तो बड़े। बिल्कुल रेट लंबे जाते। कार को एक बारी न्यूट्रल करके ना साइड में लगा के कहीं पे थ्रॉटल दो, एक बारी हल्का सा थ्रॉटल देना है, फिर तेज देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने कार लगा ली है। अब ये हम उस चीज को देख रहे हैं कि जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो कितना इंजन नॉइज अंदर है। थ्रॉटल देना, अब थोड़ी सी और देना, बहुत ज्यादा RPM पे, बहुत ज्यादा है, ये तो फुल पे ले गए आप है ना। चलो, तो मतलब साउंड भी इसका कुछ ऐसा है नहीं? नहीं। अब विंड ब्लास्ट का, जैसे ये साइड व्यू मिरर्स होते हैं, इस पे विंड ब्लास्ट जब लगता है हाईवे पे, आपने चलाई होगी गाड़ी, कितना शोर आता है अंदर? कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं टू बी ऑनेस्ट। एंड इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर आगे उन्होंने जो बम्पर के अंदर वो देते हैं इंसुलेशन, सॉरी डैम्पिंग, वो भी नहीं है इसमें। वो भी नहीं है? वो भी नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है, कंपनी को पता है जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, ये कंपनी को पता है कि उसकी जितने साल से दी नहीं हुई इसका मतलब ये भी सही है। और किसी टाइप का शोर है अंदर, कोई प्लास्टिक से, प्लास्टिक जैसे रैटलिंग साउंड वगैरह? टू बी ऑनेस्ट नहीं, ये मेरे को टाटा के अंदर बहुत दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, लेकिन इस मतलब टू बी ऑनेस्ट किया कि यानी ये बहुत अच्छे से काम किया कि कहीं से कोई आवाज नहीं आती फालतू में। अंदर बैठ के जो इन्होंने बताया वो ऐसा सा बताया कि हाँ भाई इन्होंने जितना चलाई है उस हिसाब से इन्होंने बता दिया। माइलेज कितनी निकाल रहा है 1 लीटर इंजन? माइलेज इसकी सिटी के अंदर आ रही है अराउंड 12-12.5 के आसपास। हाईवे पे इसको लेके गया था जब जयपुर, तो 15-15.5 के आसपास दी थी, तो तब इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई। माइलेज से खुश हो? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं,
पर ठीक है, काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर जैसे 11-11.5 ही मिल रही है, और सिटी के अंदर कितनी मिल रही है, जैसे दिल्ली है एनसीआर के अंदर घुस घुस के चला रहे हैं 11.5-12 मैक्स, इससे ऊपर नहीं, नहीं मिनिमम मिल रही है इतनी, मिनिमम हाँ मिनिमम इससे कम भी मिली हुई है, कुछ कुछ ट्रिप्स पे 8-9 भी मिली हुई है अभी तक की एवरेज बता रहा हूँ। तो मिनिमम अगर 11-11.5 मिल रही है तो मेरे ख्याल से बहुत है अगर देखा जाए तो, और अगर मैक्सिमम 16 के ऊपर जा रही है तो थोड़ी सी कमी है, इसको 18 के ऊपर पहुंचना चाहिए सिंगल लीटर इंजन है ये देखा जाए तो, है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या बोलोगे, कितनी है मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी इन टर्म्स ऑफ माइलेज, अगर मैं अभी पेट्रोल ही बोलूँ तो खर्चा है इसका मेरे ख्याल से मेरे को 10-12,000 रुपये का खर्चा है। 45 लीटर की इसका टैंक है तो अभी तक फुल करवाया पूरा? फुल मैंने हाँ फुल एक बार कराया, एक बार कराया, चल रही है उसके अंदर। सर्विस कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी? सर्विस कॉस्ट जो कंपनी बोल रही है 4-5, 5-6 हज़ार से ऊपर की नहीं है। अभी फर्स्ट सर्विस हो गई? फर्स्ट सर्विस तो फ्री होती है हाँ, वो भी। उसमें क्या करवाया फर्स्ट सर्विस में एक्स्ट्रा? फर्स्ट सर्विस में मैंने बस इसमें बॉडी के नीचे जो एंटी रस्ट कोटिंग होती है एंटी रस्ट कोटिंग कराई है, वो कुछ 2,500 की पड़ी है, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं यार वो तो करानी जरूरी बनती है भाई, नीचे से कहीं गाड़ी लग जाए जंग पकड़ ले, वो भी। इनफैक्ट मैंने टेफ्लॉन कोटिंग भी कराई है इसकी पेंट प्रोटेक्शन। तो कितने साल रखने का इसका प्लान है? इसको मिनिमम 6 ईयर्स, मिनिमम 6 ईयर्स, मैक्सिमम तो चलता जाता है। तो कुछ ऐसा तो नहीं बचा कि आप लोगों को अगर ये वाला वेरिएंट के अंदर जानना हो, वैसे हम जो IMT के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि ट्रांसमिशन कैसे काम करता है क्या होता है, तो उसको देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे जो ऑनर होते हैं ये बता पाते हैं असलियत। ऐसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।